गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू रीड फ्रॉम पेज नंबर 86, पैराग्राफ 10। दे हैव सेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सो टू मैन डू मोर विद वन एंड टू पेंस वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। यानी कि उन्होंने जो नमक था वो हर एक चीज़ के ऊपर फैला दिया और उसके बाद फिर वो बटर को ढूंढने लगे, और मैंने इन दो आदमियों को एक या दो पैसे के बटर के लिए अपने पूरे जीवन में ऐसा नहीं देखा कि एक या दो पैसे के बटर के लिए वो इस तरह से घूमते फिर रहे थे जैसा उन्होंने किया। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ ए स्लीपर, और इसके बाद जॉर्ज ने इसको अपने स्लीपर से उतारा बटर को। दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटली, उन्होंने इसको केटली में डालने की कोशिश की। इट वुड नॉट गो इन, ये अंदर नहीं गया। एंड वट वॉज इन वुड नॉट कम आउट, और जो अंदर था वो बाहर नहीं आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और लास्ट में उनको ये स्क्रैप करना पड़ा, खुरच के निकालना पड़ा। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और फिर उन्होंने इसको एक चेयर पे रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, यह उसे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वो इसको पूरे रूम में ढूंढते हुए फिरने लगे। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, यानी कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने इसको उस चेयर पे ही रखा था, सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, उस खाली सीट को देखते हुए जॉर्ज ने कहा। आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस। हैरिस ने कहा कि एक मिनट भी नहीं हुआ, मैंने खुद तुम्हें ये करते हुए देखा है। Then they started round the room again looking for it, और फिर दोबारा ढूंढने लगे इसको सारे रूम में चक्कर लगाते हुए। And then they met again in the center and stared at one another, जब वो कमरे के सेंटर में बीच में एक दूसरे से मिले तो उन्होंने एक दूसरे को देखा। Most extraordinary thing I ever heard of, said George. George ने कहा कि जितनी भी आज तक मैंने सुना है ये तो बड़ी असाधारण सी बात है। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस ने कहा कि ये तो बड़ी रहस्यमयी बात है। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सो इट, और फिर जॉर्ज जो था वो हैरिस के पीछे से घूम के आया और उसने इसको देखा। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली, और वो एक हैरान होकर और गुस्से में बोला कि ये तो पूरे टाइम से यहां पर था। वेयर, क्राइड हैरिस स्पाइनिंग राउंड, घूमते हुए पीछे की तरफ घूमते हुए हैरिस ने चिल्ला के कहा कि कहाँ। स्टैंड स्टिल कांट यू, सीधे खड़े रहो क्या तुम नहीं खड़े हो सकते, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे उसका पीछा करते हुए जॉर्ज ने चिल्ला कर कहा। एंड दे गोट इट ऑफ, और फिर उन्होंने इसको उतार लिया। एंड पैक्ड इट इन द टी पोट, और एक टी पोट में डाल दिया। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, मॉन्टमोरेंसी वॉज देयर डॉग, वो भी सबके बीच में ही था। ऑफ कोर्स मॉन्टमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वोन एट, बी स्वोन एट मीन्स गोट स्कोल्डेड। मॉन्टमोरेंसी की जो अभी एम्बिशन थी लाइफ में, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, अभिलाषा थी, वो ये थी कि वो सारे मामले में टांग अड़ाए और फिर उसको डांटा जाए। इफ ही कैन स्क्वान इन एनी वेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वॉन्टेड, और अगर वो कहीं पर पहुंच जाता जहां उसकी कोई उसको नहीं चाहता कि वो वहां आए, एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और वहां एक वो अच्छा सा अच्छी सी कोई गड़बड़ मचा देता, एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को इस तरह से पागल बना देता। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और वो इतना पागल बना देता किसी को कि सामने वाला उसके सिर पर कुछ फेंक कर मारता। देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, और फिर वो महसूस करता कि उसका दिन आज वेस्ट नहीं गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड क्रश हिम स्टेडीली फॉर एन आवर इज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, किसी को परेशान करना और फिर घंटे तक उसको वो कोसता रहे, ये उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता था। एंड व्हेन ही हैज सक्सेडेड इन एकम्प्लिशिंग दिस, और जब वो इसको पूरा करने में सफल हो जाता, हिज कंसेट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, तो उसका जो घमंड था, अपने ऊपर जो गर्व था, वो अनबियरेबल हो जाता। कंसेट मीन्स हिज प्राइड इन हिमसेल्फ। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स,
और फिर वो चीजों पर वहां आया और उन सारे सामान पर बैठ गया। जस्ट वेन दे वर वॉन्टेड टू बी पैक्ड, बिल्कुल तब जब वो उसको उन चीजों को पैक ही करने वाले थे। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग। और फिर क्या हुआ, ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, यानी कि उन्होंने उसने बहुत मेहनत की मॉन्टमोरेंसी ने, कि जब कभी हैरिस और जॉर्ज किसी भी चीज की तरफ हाथ बढ़ाते उसको लेने के लिए, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड। तो जो उनके हाथ लगती वो क्या थी, उसकी ठंडी सी और गीली नाक उनके हाथ लग जाती। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, उसने मुरब्बे में अपनी लेग फंसा ली। एंड ही वरिड द टी स्पून एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स एंड गोट इन टू द हैम्पर। हियर वरिड मीन्स डिस्टर्ब्ड, यानी कि जो टी स्पून थे, चम्मच थे, सबको बिखेर दिया उसने। और ऐसा दिखावा किया कि जैसे कि जो हैम्पर है, हैम्पर में जो वहां पे जो चूहे हैं, सॉरी, वहां पे जो लेमन्स है वो चूहे हो, ऐसा उसने दिखावा किया। एंड गोट इन टू द हैम्पर, और जो वहां पे हैम्पर थी, हैम्पर होती है जो बड़ी सी एक टोकरी होती है, उस हैम्पर में से, मतलब उसने ऐसा किया जैसे कि वहां पे उसके अंदर चूहे हो, उस टोकरी के अंदर, मतलब वो घुस गया। एंड किल्ड थ्री ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद अ फ्राइंग पैन, और उनमें से उसने तीन को मार दिया इससे पहले कि हैरिस उसको फ्राइंग पैन से पीट कर जमीन पर उसको लिटा देता। तो उसने उससे पहले ही तीन को पटका दिया। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसको एनकरेज किया, यानी कि राइटर ने उसको ये करने के लिए बढ़ावा दिया। आई डिड नॉट एनकरेज हिम, पर मैंने उसको बढ़ावा नहीं दिया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वॉन्ट एनी एनकरेजमेंट, इस प्रकार के एक डॉग के लिए एनकरेजमेंट की जरूरत नहीं होती। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम, ये तो उसका एक स्वाभाविक असली सिन था, अपराध था, जो उसके अंदर ही जन्मा है, दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो उसको इस प्रकार की चीजें करने के लिए तैयार करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, पैकिंग का काम जो था वो 12:50 पे खत्म हुआ। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, जो बड़ी टोकरी थी उसके ऊपर बैठ गया हैरिस। एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, उसने कहा कि उम्मीद है कि कुछ भी चीज टूटी हुई नहीं मिलेगी। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन, फिर जॉर्ज ने कहा कि अगर कोई चीज टूट भी जाए तो टूट जाए, उसे कोई इसकी चिंता नहीं है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, जिसकी वो ऐसा लगा जैसे कि उसको पूरा कम्फर्ट है, अब आराम है कि सब काम ठीक से हो गया। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, उसने ये भी कहा कि अब वो सोने के लिए तैयार है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब सोने के लिए तैयार हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, उस रात हैरिस को भी हमारे साथ ही सोना था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और हम ऊपर चले गए सीढ़ियों में। वी टोस्ट फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, टोस्ट फॉर टोस्ट वैसे फेंकना होता है, यानी कि हमने एकदम से अपने आप को बिस्तर में फेंक दिया, और हैरिस को मेरे साथ ही सोना था। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड, जे यानी कि जेरोम, जेरोम क्या तुम बाहर सोना पसंद करोगे बिस्तर से या फिर बिस्तर के अंदर। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, तो मैंने कहा कि मैं बेड के अंदर यानी कि बिस्तर के ऊपर ही सोऊंगा, वहीं मैं सोना पसंद करता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ओड, हैरिस ने कहा यह तो बड़ा अजीब है। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, यानी कि साथियों मैं तुम्हें किस टाइम जगाऊं। हैरिस सेड 7, हैरिस ने कहा 7 बजे। आई सेड नो 6, मैंने कहा नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ लेटर्स लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट, हैरिस और मेरे बीच में एक थोड़ा सा मनमुटाव हो गया इस बात पे, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस, यानी कि हमने अपने इस मनमुटाव को सुलझा लिया। एंड सेड 6:30, और ये कहा कि 6:30 बजे। वेकस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, हमने कहा कि जॉर्ज हमें 6:30 पे उठा देना।
जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया. एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर, और वहां उनके पास जाने पे हमें पता चला दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम, कि थोड़े समय से वो सो चुका था. सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग. सुबह जब वो उठेगा तो उठने के बाद वो मतलब टंबल कर ले, अपने आप को साफ सुथरा बना ले, इसलिए हमने वहां पे एक बाथ रख दिया, यानी कि नहाने का कोई जैसे टब होगा. एंड वेंट टू बेड आवर सेल्फ, और हम खुद भी सोने के लिए चले गए. सो द नेम ऑफ द राइटर इज जेरोम के जेरोम. इट इज टेकन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम थ्री मैन इन अ बोट.